तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। दोनों मिलकर प्रार्थना में बैठे, बोलो क्या, दोनों मिलकर बैठे, समझ नहीं, वो तो सिस्टर सो गई पर पति उनका प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर ने रात को दर्शन में दिखाया कि स्वर्गदूत आए हैं और उनका ऑपरेट कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं। तो इस सिस्टर का नाम प्रिया है और जो बीरबल गांव के रहने वाले हैं और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रहे कि 4 महीने हो गए थे इनके जूटर्स इनके बच्चेदानी में बाहर पड़ता था और जिसके कारण जी बहुत परेशान थे और इनके जूटर्स बाहर आते थे जिसके कारण जी बहुत परेशान थे। जे बताते कि जब भी जी प्रॉब्लम आती थी तो उस समय इनको बैठने में बहुत प्रॉब्लम आती, जे चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, जो कोई भी काम नहीं कर सकते थे, बहुत ही परेशान थे, बहुत दर्द होते थे जिसके कारण जे बहुत परेशान थे। और जे बता रहे कि जे सिस्टर ने बताया कि 4 महीने की जो प्रॉब्लम थी और जैसे जे बता रहे कि उन दिनों में रात के समय एक दिन बहुत ज़्यादा जे प्रॉब्लम जे इनके जीवन में आई और रात के समय जे बहुत ही तकलीफ में थे। और जे बता रहे जैसे इन्होंने और इनके हस्बैंड ने इनको और भी कहा कि आप विश्वास करें, परमेश्वर ने जैसे हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए आज भी वो परमेश्वर कर सकते हैं, क्योंकि जब भी जब मीटिंग में आते थे और जो विश्वास में बने रहे गवाहियों को सुनते थे हर समय, जब परमेश्वर के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे तो उस समय भी जो विश्वास से रिसीव करते थे। तो जैसे इनके हस्बैंड ने जिस सब बातें इनको बताई, इनको उत्साह दिया कि परमेश्वर आपके लिए कर चुके, आप बैठकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते। और जैसे इनके हस्बैंड और जिस सिस्टर ने बैठकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना की और जो बताते हैं कि जी इन्होंने कुछ समय प्रेयर की और इनको नींद आ गई और जैसे इनके हस्बैंड परमेश्वर के साथ और भी कुछ समय बैठे रहे, उन्होंने परमेश्वर के साथ और भी अपना मन लगाया, प्रार्थना की, तो जो बता रहे हैं कि जैसे वो भी लेट गए तो उनको परमेश्वर ने एक दर्शन दिया कि जैसे उनको 3 स्वर्गदूत मिले और जो कि सिस्टर का जैसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो जैसे सुबह इनको उन्होंने बताया और पूछा कि आपकी प्रॉब्लम अभी कैसे, तो इन्होंने बताया कि बहुत ऐसे अच्छी है, बहुत जो बहुत ज़्यादा थी काफ़ी मुझे फ़र्क है। तो जैसे जो विश्वास से जैसे इन्होंने इस दर्शन को इनके हस्बैंड इनको बताया तो इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ फिर कर चुके हैं। और जो विश्वास करते रहे, धन्यवाद देते रहे और जो बता रहे कि अभी 4 महीने हो गए उस दिन से लेकर आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जो पूरी तरह से उस प्रॉब्लम से फ्री है और अभी इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी अपने घर का काम भी करते, कोई मुश्किल नहीं आ रही, सब कुछ अच्छा है। और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते, हम सब अपने हाथों को उठाते उस परमेश्वर की इस गवाही के लिए महिमा को करेंगे कलीसिया, हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया, जोर से अपने हाथों को हिलाते उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे, हालेलुया। और गवाही सुनना था मैं यूट्रस की, क्या हुआ था यूट्रस को, वो सिस्टर की प्रॉब्लम थी कि उनकी जो जूटर्स थी बच्चेदानी थी, जब बताते कि वो बाहर आती थी पार पड़ता था जिसके कारण काफी परेशान थे। तो बाहर मतलब समझे ना, तो बाहर को आती थी तो क्या हुआ फिर, और उन्होंने बताया कि रात के टाइम एक दिन काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई थी और समय उन्होंने बैठकर उनके हस्बैंड ने उनको विश्वास दिया कि परमेश्वर हमारे लिए सब कर सकते हैं, जैसे वो तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। दोनों मिलकर प्रार्थना में बैठे, बोलो क्या, दोनों मिलकर बैठे, समझ नहीं, वो तो सिस्टर सो गई पर पति उनका प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर ने रात को दर्शन में दिखाया कि स्वर्गदूत आए हैं और उनका ऑपरेट कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं। आप खुश नहीं हो, आपको खुशी नहीं है कि खुदामंद कैसे आज मसीह में, मेरा बताने का मतलब कारण समझो, मैं ये बातें क्यों आपको समझा रहा हूं, क्योंकि जिस खुदामंद पर आप विश्वास करते हो वो किसी भी तरीके कुछ भी कभी भी किसी भी समय कुछ भी कर सकते। अब मन अच्छा किया, कई लोग मन खराब करते हैं ना, छोटी छोटी चीजों के लिए मन खराब करते हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा, वो किसी से भी दूर बताओ, वो किसी से दूर है,
वो तंग है जब इंसान मन खराब कर दे, उन्होंने मन नहीं खराब किया, जो कुछ भी यहाँ पे वो सीखती तो उसे प्रैक्टिकल किया, क्योंकि मसीह लाइफ एक प्रैक्टिकल लाइफ है। बोलो क्या है? मसीह लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि अगर तुम करके नहीं देखोगे, बोलो क्या है, तो तुम्हें ताकत का सामर्थ्य का पता नहीं चलेगा। किया तो ताकत का पता चला, परमेश्वर हमारे साथ है, उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। दूत आए और प्रेट किया, प्रेट कर रहे हैं, उसको सही कर दिया। आज कितने दिन हो गए? बोलो क्या, आज के 4 महीने। आज कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए आज? 4 महीने। 4 महीने हो गए, अब कोई तकलीफ नहीं, कोई रोग नहीं है, बिल्कुल प्रभु ने फ्री कर दिया है। जोर से तारीफ कर दो, जोर से दोनों हाथों पर, दिल से